बच्चों, ऊष्मा का संचरण यानी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण, जो सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। ये जो ऊष्मा का संचरण है, ये अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है। जैसे यदि हम ठोस पदार्थ की बात करें तो उसमें ऊष्मा के संचरण को हम चालन कहते हैं। यदि हम द्रवों की बात करें तो उसमें ऊष्मा के संचरण को हम संवहन कहते हैं, और गैसों में ये कहलाता है विकिरण। ठोस पदार्थों में भी जो ऊष्मा का संचरण है वो अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। जैसे इसी बात को समझने के लिए देखिए, यहाँ हमने दो अलग अलग पदार्थों की ये छड़ ली है जो मोटाई और लंबाई में समान है। ठीक है, ये है कांच की छड़ है ये, और ये है आपके तांबे की छड़। आप देख रहे हैं कि इन दोनों छड़ों में हमने ये इस प्रकार देखिए आल्पिन जो है वो आल्पिन मोम से लगा दी है, जो समान दूरी पर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इन छड़ों को उनके किसी एक सिरे से गर्म करेंगे, और इस स्टॉपवॉच की मदद से हम इसे गर्म करने के बाद जो आल्पिन आपको दिख रही है वो आल्पिन क्या होगी, गिरेगी। तो इनके टाइम को हम नोट करते चलेंगे कि कौन सी छड़ की जो आल्पिन है वो जल्दी गिरती है और कौन सी छड़ की देर से। तो चलिए शुरू करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस मोमबत्ती को जलाना होगा। ठीक है, तो इसे हम जला लेते हैं। और इसके बाद क्योंकि हम इसे गर्म कर रहे हैं तो हम किसी भी छड़ को पकड़ने के लिए तो आप कपड़े का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर हम इसे इस प्रकार भी पकड़ सकते हैं। और अब इसे मैं गर्म कर रही हूँ, एक एक करके हम इस छड़ को गर्म करेंगे। ठीक है, और अब हमको देखना है, ये देखिए ये स्टॉपवॉच हम यहाँ पे देखिए शुरू कर रहे हैं, इसको भी इधर गर्म करने लगाया और इसे ऑन कर लिया, स्टॉपवॉच चल पड़ी है और इसको हम गर्म करने लगे हैं। जैसे ही पहले आल्पिन गिरेगी हम उसका टाइम जो है वो नोट कर लेंगे। ये देखिए जो पहली आल्पिन है वो 1 मिनट 38 सेकंड में गिरी। हम इसे अभी भी गर्म कर रहे हैं और आगे देखते हैं कि अब नेक्स्ट जो आल्पिन है वो कितनी देर में गिरेगी। इस प्रकार देखिए ये दूसरी भी जो है वो छड़ गिर गई, और ये टाइमिंग हुई है 5 मिनट 10 सेकंड। इसी प्रकार आपको बाकी जो आल्पिन है उनके भी गिरने का समय नोट करना होगा। अभी हम अब फिलहाल चलते हैं तांबे की छड़ की ओर और उसे भी गर्म करते हैं, और देखेंगे कि इसकी जो आल्पिन है उनके गिरने की क्या समय होता है, उनके गिरने का टाइमिंग क्या होगा। चलिए, हमने इसे रीसेट कर लिया है, ये अपनी पूर्वावस्था में हो गया, और अब हम कांच की जो छड़ है उसके बाद गर्म कर रहे हैं तांबे की छड़ को, और इसे स्टॉपवॉच को भी, ये देखिए ये शुरू किया गर्म करना और स्टॉपवॉच भी हमारी चल पड़ी है। अब आप देखें कि इसमें जो है वो आल्पिन जो है वो कितने समय पे गिरती है, ये हम देखेंगे। ये देखिए ये तुरंत जो है ये हमारा अभी आल्पिन ऐसा लग रहा है कि अब गिरने ही वाली है। ये देखिए ये 30 सेकंड में जो है वो आल्पिन जो है वो गिर गई पहली आल्पिन, इसे नोट कर लीजिए आप। और अब ये देखिए ये दूसरी आल्पिन की स्थिति भी आप देखेंगे, ये 48 सेकंड में ये भी गिर गई है। कितनी तेजी से देखें, यहाँ पर जो ऊष्मा का संचरण है वो एक सिरे से दूसरे तरफ सिरे की तरफ हो रहा है। ये देखिए ये तीसरी आल्पिन की स्थिति भी आप देख रहे होंगे, 1 मिनट 7 सेकंड। ये सब आप नोट करते चलिए। ये देखिए इसकी स्थिति फिर बदल रही है, और स्टॉपवॉच पर आपको ध्यान देना होगा। एक मिनट 40 सेकंड, ये देखिए 1 मिनट
तो 2 मिनट हो गए हैं वैसे, और देख लेते हैं। दो मिनट 10 सेकेंड। तो आपने देखा कि जो तांबे की छड़ है उसमें जो है ऊष्मा का संचरण एक सिरे से दूसरे सिरे में बहुत कम समय में हुआ, जिसके कारण अल्पिन गिरने का जो समय था वो कम था, और कांच की छड़ में जो अल्पिन गिर रही थी वह बहुत समय ले रही थी क्योंकि उसमें ऊष्मा का जो संचरण था वो बहुत ही धीमा था। तो बच्चों हमने ये देखा कि जो कांच की छड़ है उसमें ऊष्मा का जो संचरण है वो बहुत कम और तांबे की छड़ में ज्यादा। ऐसी जो धातुएं होती हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत कम होता है उन्हें हम कुचालक कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है उसे हम चालक या सुचालक कहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसमें ऊष्मा का संचरण नहीं होता है, इन्हें हम ऊष्मा रोधी पदार्थ कहते हैं। इस प्रकार ऊष्मीय चालकता के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक होता है ऊष्मा रोधी और कुचालक और चालक या सुचालक। बच्चों हमने अभी कांच की और तांबे की छड़ को जब गर्म किया उसके एक सिरे से गर्म करने पर हमने देखा कि तांबे की छड़ की आल्पिन जो है वो पहले गिरी, और कौन सी आल्पिन प्रत्येक छड़ की पहले गिरी, जहाँ से हम उसे ऊष्मा दे रहे थे उसके पास जो आल्पिन थी वो पहले गिरी थी। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम इन दोनों छड़ों को फिर से गर्म करेंगे, लेकिन अब की बार हम इसे करेंगे गर्म छड़ के बीचों बीच। तो इसके लिए हमने फिर से देखिए छड़ में आल्पिन जो है वो मोम की सहायता से लगा ली है, और इस बार हमने इसके बीच के जो हिस्से हैं वहाँ पर थोड़ा स्थान खाली रखा है क्योंकि हम इसे बीच से गर्म करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले कांच की छड़ में हम इसको गर्म कर लेते हैं। कांच की छड़ को वापस से पकड़ने के लिए बिल्कुल उसी प्रकार जो हमने पहले किया था, और अब हम इसको देखिए ये बीच से हम इसे गर्म कर रहे हैं, और अब गर्म करने के साथ ही हमें क्या करना होगा, स्टॉप वॉच ऑन करनी होगी ताकि हम वो समय नोट करें, और इस बार भी हमें बिल्कुल वैसे ही ये देखना है कि ऑलपिन जो गिरती है वो कितने समय में गिरेगी, और ये भी देखेंगे कि इस बार जो है वो कौन सी ऑलपिन पहले गिरती है। ये देखिए ये जो है एक ऑलपिन गिर गई है 3 मिनट 20 सेकेंड में, आपने देखा कि ये वाली जो ऑलपिन है वो गिर गई थी। ये देखिए 4 मिनट 35 सेकेंड में जो है ये यहाँ जो दूसरी ऑलपिन है वो भी गिर गई। इसी प्रकार हम आगे भी इसे गर्म कर कर देख सकते हैं कि बाकी ऑलपिन जो है वो कितने समय में गिरेगी। ठीक है, अब हम लेंगे तांबे की छड़। चलिए अब हम तांबे की छड़ को बिल्कुल उसी प्रकार बीचों बीच से गर्म कर लेते हैं, और इसको गर्म करने के साथ साथ हम ये स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। देखते हैं यहाँ पर कितने समय में जो ऑलपिन है वो गिरती है। आपने परिवर्तन को देखा, ऑलपिन में परिवर्तन हुआ है जो दोनों हमारे बीच के सिरों से आसपास में है। ये देखिए एक साथ ये 35 सेकंड में ये दोनों ऑलपिन जो है वो गिर गई। इसी प्रकार देखिए ये 45 सेकंड में ये ऑलपिन गिरी है, 1 मिनट लगा इस ऑलपिन को गिरने के लिए। तो बच्चों हमने देखा कि जब इन दोनों छड़ों को हमने बीच से गर्म किया तो लगभग समान समय में जो इसके आसपास की जो ऑलपिन थी वो एक साथ गिरी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ऊष्मा का संचरण समान समय में ही होता है, दोनों दिशाओं में हमें समान समय में ऊष्मा का संचरण दिखाई देता है। ये ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, जो चालन होता है, चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ही संचरित होती है। जैसे जब हम छड़ को गर्म करते हैं तो जो हिस्सा गर्म हो रहा होता है वहाँ के कणों में कंपन बढ़ जाता है, और कंपन के बढ़ने से उसमें ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है, और ये अधिक ऊर्जा जो है वो अगले कणों को ये स्थानांतरित कर देते हैं, और इससे ही ऊष्मा का संचरण होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण बिल्कुल इसी प्रकार से होता है।